तो मैं पूछ क्यों रहा भैया आपको, मैं सुनाता हूँ एग्जॉस्ट की आवाज, रुक जाओ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं 11:10 और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने नाना बू के साथ अपनी उसको क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, ये तो पे मेरी उसके रजिस्ट्रेशन करवाने जो बोर्ड के पेपर हैं उनकी, आधा काम हो गया था आधा रह गया था, स्कूल में जाके करवाना था, वो नाना बू के साथ जाके करवाता हूँ। बाकी ये थोड़ी सी खा लेते हैं, सैटरडे वाले दिन एग्जॉस्ट आ जाएगा तो वह जाके उसका ठीक नहीं, तो मैंने लगवाने ही नहीं, मैंने 3 हफ्ते हो गए वेट करते हुए। बाकी बाप ना बाद में दिखाता हूँ रिश्ते में, बब्बू के साथ जा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो ना ही बनाऊँ। तो यार यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करवा के वापस जा रहा था अपने नाना बू के साथ, और ये मैं दिखा रहा था कि सारी रजिस्ट्रेशन डन हो गई, देखो मैं यही कह रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा था कि अभी नाना बू हैं तो अब मैं आपको घर पहुँच के दिखाता हूँ आगे से, देख लो। तो भाई यार सारा काम हो गया, अब अब्बू मेरे वो वहां पे जमा करवा देंगे, पता नहीं किधर करवाना है, करवा देंगे वो। बाकी अब चलते हैं मोटरसाइकिल पे लगवाने एग्जॉस्ट, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, ये हो। एग्जॉस्ट लगवाने बाबा जी, मिनटों वाला काम हुआ है, अंगूठा भी भाई आपके भाई ने उधर लगाया, फिर ओ ये सॉरी सॉरी अंगूठा ये था, ये वो गलती से हो गया था। बाकी अब चलते हैं एग्जॉस्ट का पता करते हैं, अगर आ जाएगा तो लगवा लेंगे, नहीं तो फिर मैंने नहीं लगवाना है, मैं हर हफ्ते वेट नहीं कर सकता, ठीक है। 3 हफ्ते हो गया मुझे बस बोल रहे कि आ जाएगा बात, ठीक नहीं तो ना सही, मोटरसाइकिल बिल्कुल जेंगो मैंगो हुआ है, अब आपको रास्ते में दिखाता हूँ। यार अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, अब ये एग्जॉस्ट में पीछे वो रोड़ी है जिस तरह हमने तलाक उठाया था, बड़े दिनों बाद वो रोड़ी आपको हमने दिखाई है। बाकी यार अभी पहले जाना चाहूँगी चौक सियालकोट की किसी गाड़ी में ना, ये मोबाइल भी जो आना है सियालकोट, आपको पता है मैंने एक बंदे के साथ ना पॉडकास्ट किया था जो कि मेरे मामू हैं, उन्होंने मंगवाया ये मोबाइल, उनको वहाँ पे भी जाना है, जो कि अब क्या बन गया भैया मुझे पता नहीं यार क्या बन गया, वो मतलब वहाँ के बड़े बन गया पीटीआई के, उसको कहते हैं जी नाइब सदर बन गए हैं, तो उन्होंने वैसे भी उसका इस मोबाइल के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मोबाइल मंगवाया तो वो भिजवाना है यहाँ से वहाँ पे, तो फिर मैं आपको ना अब वहाँ पे पहुँच के दिखाता हूँ, फिर वहाँ से एग्जॉस्ट वाली दुकान पे आना, फिर आपको यार अभी मैं अड्डे पे पहुंच चुका हूँ, और ये हमारा कुछ जलम काटा जिधर से अभी कितने बजे उन्होंने कहा आनी है, बस सवा एक बजे और सामने TRP के लगे हुए हैं मोर हैं, मैं भी TRP बोलूँगा असल भाई क्या रसूल, बाकी कला देना यार कॉल करूँ मोबाइल देना, मेरे मोबाइल में यार सिम नहीं है, कला के मोबाइल में है, कॉल करते हैं पता करते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ। बाबा जी तला ने पैकिंग कर ली, इसके अंदर तला ने मोबाइल डाल दिया, टेप को नहीं है थूक डाल दो थूक, बाकी अभी 12:45 आनी है, 12:15 होते हैं ना या 12:45 उतने बजे आनी है, फ़ोन पे बात हुई है लेकिन कॉल करते नहीं गई है, अब दोबारा कॉल करते हैं पता करते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ। एग्जॉस्ट की दुकान पर जाने का दिखाते हैं, ये देखो कॉल आ गई है, हाँ जी बाद में आपको दिखाता हूँ। बाबा जी अभी हम यहाँ पे खड़े तो आए थे लेकिन वो थोड़ा जी आगे हो जाए मरे, वो कह रहे हैं कि अब जो आएंगे ना वो बाहर सियालकोट जाएंगी, अंदर अड्डे पर नहीं आएंगी, जो अड्डे पे जानी है ना वो तकरीबन 2 बजे के बाद आएगी, और अभी मैंने ये एयरबड्स लगाए हुए हैं और मैं गाने सुन रहा हूँ, आइए आइए मुंडे पागल ने सारे तारे ने पसंद मैनू उत्ते सारे ला दे, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋ ਅਬ ਆਪਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
यार अभी मैंने पता तो कर लिया और एग्जॉस्ट आ गया है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी हमने डिस्प्ले वगैरह नहीं लगाया, वो सारा सामान सामने पड़ा हुआ था, तो कह रहे हैं कि शाम को आप चक्कर लगाएं, शाम को इंशाल्लाह हम सारा वो खोल डिस्प्ले वगैरह लगा देगा सारा, तो फिर आपका एग्जॉस्ट भी लगा दें, शाम को नहीं अगर डिस्प्ले कुछ होता तो फिर इंशाल्लाह कल, क्योंकि सामान तो आ गया, सामान मेरे सामने ही था सारा, वो आ गया हुआ है, आज नहीं तो फिर कल पक्का लग जाएगा, वैसे वो कह रहे हैं कि शाम को आ जाए, शाम को भी लग जाएगा, पहले ही है कि शाम को ही लग जाए, बाकी अब चलते हैं, किधर जा रहे हैं बस उड़ी के, किधर है रूड़ी पे क्यों जा रहा है, बोलता तो रूड़ी वाली सरकार है, रूड़ी पे ही जाएगा, बाकी आपको मैं बाद में दिखा दूँ घर पहुँच के। यार अभी हमने शक्करकंदी लगवाई हैं, जो कि मैं खाने लगूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तला कैसी है, चस्क रहा है, मुफ्ते की चीज़ तो वैसे भी चस्क रहती है तला, ये बात तो है, मेरा मुफ्ता नहीं है, मैंने तो खिलाई है तला का मुफ्ता, अब कहते हैं आपको मैं बाद में दिखाता हूँ नमाज पढ़ने के बाद। फिलहाल हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं, अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ वजू, और बाबा जी गरम गरम पानी मज़ेदार, और मेरा हेयर स्टाइल आप लोग बताना कैसा है, इतना कैसा हेयर स्टाइल है, इतना बम, बाकी अब नमाज पढ़ रहे, आपको नमाज पढ़ने के बाद दिखाता हूँ आपसे, बच रहे हैं दो, अभी थोड़ी देर में मैंने जाना है वो मोबाइल भी भिजवाने, पहले यहाँ पे भी खाना बन कर आ चुके जो कहीं हैं, उन्होंने कहा था शाम को एग्जॉस्ट आपका लग जाएगा, आप शाम को जाएंगे, अल्लाह ही लग जाए शाम को, बाकी अब चावल खाते हैं फिर आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी हम अड्डे पे तो आए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 10-15 मिनट तक सियालकोट की बस आएगी, तो हम अभी सियालकोट की बस के इंतजार कर रहे हैं, तला और मैं, तला ने यहाँ पे मोबाइल पैक कर दिया है, और तला गाना सुना चाहोगे, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, कैसी बात है, बहुत ही आपकी भाई की आवाज़ बहुत प्यारी है, भाई मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी आवाज़ अच्छी है ना, देख ले लोग तारीफ करते हैं तेरे भाई की आवाज़, बाकी यार बस का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई और गाना सुनना मेरे से, गाना तो ये मैं सुनाता हूँ, ये गाना ऐसे है, वो दिल इबादत कर रहा है आगे चल गोली बस, चलो आपको मैं बात नहीं करता, काम करेगा भाई, अभी फाइनली हमारा काम हो चुका है, और हमने हाँ एक सीन वैसे हुआ, अब दुआ करो वो स्कैम ना ही हो, क्योंकि उन्होंने जो नंबर दिया ना वो नंबर कोई है नहीं, बाबा जी उन्होंने नंबर गलत दिया है, हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन मैंने उनकी नंबर प्लेट वगैरह की और पीछे से फोटो सेंड कर दी, वो मैं अपने मामू को सेंड कर दूंगा, वो वहाँ से फिर देख लेंगे बस कौन सी है, वैसे उन्होंने बात उससे कर लिया उस बंदे से जिसके हाथ मोबाइल भेजने हैं, वहाँ पे जाकर फिर सारा जो सीन पहाड़ा है वो हो जाएगा, बाकी अब रस्ते में से क्या लेना ही हो, तारे के पास जो नए काम है अपने दोस्त से, फिर आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, साइकिल क्या हुआ, मोटरसाइकिल मोड़ गया अंकल, पैसे कोई नहीं है, स्पीड में पैसे कोई नहीं है, भाग नहीं है भाई, गोलगप्पे खाने रुके पैसे, गोलगप्पे खाने रुके पैसे कौन नहीं है, कहता है मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ले साथ ही गोलगप्पे खा कर भगा लेना, बहुत हैरानी चीज है भाई, दर्जन गोलगप्पे लगवाए सब खाने को, कटा को बाबा जी भी गोलगप्पे आ गए हैं, और मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बड़े दिनों से खाने का दिल कर रहा था, वो तो आज तला ने खिला दिया, और बात है कि कैसे हैं, यार अभी फिलहाल हो गया शाम के 5 और मैं जा रहा हूँ एग्जॉस्ट लगाने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 बजे आ जाना, काशम को मैंने साथ लेके जाना था, लेकिन बाबा जी कासिम मिले ही नहीं, तला को वैसे लेके जाना था क्योंकि तला कर रही नहीं था, फिर मैंने कहा कासिम को ले जाते हैं, कासिम भी कर नहीं है, कोई अब चलते हैं एग्जॉस्ट लगवाते हैं, और फिर मैं आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ। बाबा जी यहाँ पे फाइनली आपके भाई को थोड़ा दिल का सुकून मिला था, क्योंकि वो कह रहे थे अब ढूंढते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर आप कल आ जाना, लेकिन फाइनली मिल गया था, और यहाँ पे मैंने कहा आपको उनकी दुकान भी दिखा दूँ, ये सारी उनकी दुकान है, इधर मतलब हर चीज़ बनती है, कैफे रेसर मोटरसाइकिल अगर किसी ने तैयार करवाना हो ना, वो भी ये 25-30 हज़ार में कर देते हैं, तो फिर आगे जो बंदे ने जिसने करवा करना था उसने पहले ये वाला मेरा सिलेंसर उतारा है यहाँ पर, उसका मतलब ये देखो यहाँ पर उन्होंने सिलेंसर वो वाला उतार रहे थे जो हमारा यहाँ पे लगा रहे थे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे लगा रहे थे उतार दिया था हमारा, और क्या नाम है ये वाला फिटिंग कर रहे थे जिससे हमारा वो वाला एग्जॉस्ट लगना था, यहाँ पे मैंने कहा आपको दोबारा एग्जॉस्ट के दीदार करवा दूँ, क्योंकि वो दिखा दूँ कि ये भी यहाँ पे लगने लगा,
यहाँ पे वो इसकी फिटिंग के लिए ना ये कर रहे थे और इसकी वजह से एक मसला भी बना था, उन्होंने गलती से मोड़ा नहीं था सही किया तो मोटरसाइकिल के वहाँ से क्रॉस नहीं था हो रहा इसलिए साउंड भी नहीं आया। यहाँ पे फिटिंग हो गई थी लेकिन उन्होंने ना सही नहीं था किया, वो आपको आगे समय लग जाएगी कि क्या मैं बता रहा हूँ, बाकी अब आप लोग आगे से देखो। बाबा जी बिया का काम तो हो गया है और अभी उन्होंने जब साउंड चेक करवाया ना तो ना कोई वो सिलेंसर वाशर पता नहीं होती है वो सड़ी हुई थी तो उस वजह सड़ गई है तो उस वजह से ना साउंड नहीं सही आ रहा। अभी साथ ही GTS चौंक है इधर से, मैंने कहते हैं कि जाकर ना सिलेंसर वाशर ले आओ, हाँ मैं बोलने जा रहा हूँ लेके आते हैं फिर आपको मैं साउंड चेक करवाता हूँ वहाँ पर पहुँच कर। बाबा जी अभी सिलेंसर वाशर भी मिल गया जो कि मेरे हाथ में 20 रुपये की ये आई है और 4500 रुपये का एग्जॉस्ट आया, 4400 का एग्जॉस्ट आया है, बीच में 150 रुपये फिटिंग, तो टोटल मिला के मैंने लगी हैं 4670 इसको भी मिला के। बाकी अब चलते हैं देते हैं फिर मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ। यार भी सारा एग्जॉस्ट लग गया यार मेरी खुशी आप लोग देख के कह समझ गया ना यार आवाज़ इतनी फिट है ना, बाकी ये यार वो सही कर देने उनको बोले ये भी सही कर देंगे हो सकता है वो उनका हो जाएगा, लेकिन यार जो आवाज़ है ना क्या बताऊँ ये तो बड़ी टॉप की आवाज़ आपको मैं घर जा कर सुनाता हूँ। अभी अरे अभी घर तो मैं पहुँच क्यों अभी आपको मैं सुनाता हूँ एग्जॉस्ट की आवाज़ रुक जो पहले सारा मोटरसाइकिल का दीदार करवाते हैं, गंदा होगा थोड़ा लेकिन गुजारा करना, बाकी अब आपको चेक करवाते हैं आवाज़ रुक से रुको ज़रा सब्र करो तो पहला मेरे अंदर ना वो आज मुझे मोटरसाइकिल अंदर खड़ा करना पड़ेगा, अब आपको मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ। बाबा जी बिसात तो हो गया और यार मैंने मगरिब की नमाज पढ़ना ही भूल गया हूँ, मैं गा रहा हूँ ना तो मगरिब की नमाज का टाइम तो हो गया हुआ था, बाकी अभी मैं शायद मगरिब की नमाज कजा करूँगा और इस व्लॉग को भी यहाँ पर करते हैं एंड एग्जॉस्ट जो लगवा लिए कल आपको सही से उसके शीशे दिखाऊंगा क्योंकि अभी रात है मैं जा नहीं रहा भाई ठंड में, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मानी अल्लाह हाफिज़।